झुंझुनू में जिला कलेक्टर और वकीलों के बीच चल रहा विवाद समाप्त हो चुका है और इसी दौरान वकीलों ने सकारात्मक तथ्य पर साथ देने का वादा करते हुए लिखित समझौते के बाद अपने आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा की है। आपको बता दें कि कलेक्टर ऑफिस के बरामदे में रास्ते में टेबल कुर्सी और बेंच डालकर मार्ग अवरुद्ध करने वाले वकीलों को जिला कलेक्टर रवि जैन ने दूसरी जगह शिफ्ट करने का आदेश दिया है और जिसके साथ वकीलों और कलेक्टर के बीच विवाद हो गया, जिसके चलते जज अतुल कुमार सक्सेना और जिला कलेक्टर रवि जैन की मौजूदगी में दोनों पक्षों में वार्ता हुई। इसमें तय किया गया कि जिस बरामदे से होकर कलेक्टर ऑफिस तक का रास्ता जाता है वह अब केवल आवागमन के लिए ही काम आएगा और जो वकील शिफ्ट किए गए हैं उनके लिए भी व्यवस्था प्रशासन ही करवाएगा। झुंझुनू के खिलाफ आंदोलन कर रखा था, आज हमारे जिले एवं सेशन न्यायाधीश अतुल कुमार सक्सेना जी ने हमें बुलाया और जिला कलेक्टर को भी उन्होंने बुलवाया। हम दोनों पक्षों के बीच में मीडिएशन का काम जज साहब ने किया और जज साहब के कहे अनुसार और जिला कलेक्टर महोदय व डिस्ट्रिक्ट बार झुंझुनू ने आपसी राजीनामा उन दोनों पक्षों के बीच में हो गया। जिला कलेक्टर महोदय से अब हमें कोई शिकायत नहीं है और जो हमारी डिमांड्स थी वो जिला कलेक्टर महोदय ने मान ली। आज कलेक्ट्रेट के मुख्य पोर्च और बरामदे को लेकर जो गतिरोध चल रहा था प्रशासन और अभिभाषकों के बीच में, माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश की मध्यस्थता में एक मीटिंग हुई जिसमें बहुत ही सकारात्मक रूप से चर्चा हुई और वकीलों और एडमिनिस्ट्रेशन ने साथ मिलकर तय किया है कि जो सामने बरामदा और पोर्च के अंदर जो अभी नवनिर्माण किया गया है उसको यथावत रखा जाएगा, उसमें कहीं भी कोई भी अपनी कुर्सी या टेबल नहीं रखेगा और जो अन्य जगह पर जहां पर उनकी पड़ी है ऑलरेडी। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 टीवी न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।